इत्तेफाक कहें या गुड लक, जब एक पुरानी फिल्म का रीमेक भी बॉलीवुड में सुपरहिट हो जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ है सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म इत्तेफाक के साथ, जिसके क्लाइमेक्स ने इस फिल्म को बना दिया है हिट, जिसकी एक्साइटमेंट इन दोनों की बातों में नजर आई। पहले दिन का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है हम सबके लिए, हमको मैसेज आ रहे हैं और जो बिजनेस किया है पिक्चर ने विदाउट प्रमोशन, एंड इसका मतलब लोग जो बाहर निकल रहे हैं थिएटर से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव, और इसीलिए वो ग्रोथ दिख रही है एंड लोग जा रहे हैं और हॉल्स भर रहे हैं। सो वेरी एक्साइटेड, आई थिंक यही हमारा प्लान था कि इस पिक्चर में कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि हमें खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम बोलें कि पिक्चर ऐसी है पिक्चर वैसी है, कंटेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और वही हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है। तो वही सोनाक्षी सिन्हा भी फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से बेहद खुश नजर आई। ऑनेस्टली जिस टाइप की फिल्म है इत्तेफाक, अगर हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोलते तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आता जो हम नहीं चाहते थे, और वही हुआ। मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस अगर एंड तक रहे लोगों के दिमाग में रहे तो आई थिंक बेहतर है, एंड विच इज़ वॉट हैपन, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे अक्षय खन्ना ने भी बताया कि फिल्म का प्रोमो ही काफी होता है ये डिसाइड करने के लिए कि फिल्म देखने जाना चाहिए या नहीं। एक बार आदमी प्रोमो देखता है फिल्म का, तभी वो अपना मन बना लेता है कि मेरे को देखनी है पिक्चर या नहीं देखनी है। उसके बाद उस फिल्म का एक्टर अगर एक इंटरव्यू करेगा या हज़ार इंटरव्यू करेगा, उससे मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, अवेयरनेस बढ़ता है, पर वो निर्णय जो उन्होंने लिया है प्रोमो देखने के बाद वो नहीं बदलता। वेल, इस फिल्म की सक्सेस ने टीम का हौसला बुलंद कर दिया है, हो सकता है नियर फ्यूचर में ऐसी दूसरी फिल्मों की रीमेक भी नजर आ जाए।